हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हरे मटर का बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने की रेसिपी। तो इसको सबसे पहले हमने धो लिया है और ये कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेते हैं। इसमें हम 4 से 5 डाल देते हैं हरी मिर्च, जितना तीखा आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। और इस तरह से मटर के दाने को भी हम डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से इसको हम पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो इस तरह से हम 1 से 2 मिनट चला लेते हैं। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। 1/2 चम्मच अभी हमने डाला हुआ है और ज़रूरत लगेगा तो हम बाद में डाल सकते हैं। तो 2 टमाटर हमने लिया है, इसको धो लिया है, इसको हम काट लेते हैं। इधर भुन भी रहा है और इसी में हम टमाटर को भी डाल देते हैं और दोनों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और ये मटर के दाने भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है। ढककर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है और ये भी हमारा हरा मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हम निकाल करके ठंडा कर लेते हैं और इसकी चटनी आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। लहसुन हमने लिया है, ये खेत से हमने लाया हुआ है, पत्ता है इसके साथ, तो पत्ते को भी इसी में हम डाल देते हैं इस तरह से काट करके। और ये लहसुन को भी हम इसी में काट देंगे क्योंकि इसमें अच्छी तरह से तैयार अभी नहीं हुआ है। और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता भी लाया हुआ है और इसको भी हम फ्रेश धनिया पत्ता को इसी में डाल देते हैं। और डाल करके 2 बार में इसको पीसेंगे, एक बार में नहीं पीसेगा। तो इस तरह से हम 1/2 इसमें डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी, जितना ज़रूरत लगेगा उतना पानी डालकर पीस लेते हैं। तो इस तरह से हम डालकर पीस करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने बना लिया है, चटनी हमारा बन चुका है। 2 बार में हमने इसको पीसा हुआ है और मिक्सी के जार को हम थोड़ा सा पानी डालकर इसी में डाल देंगे अच्छी तरह से धो करके। और ये हमारा चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें। कम नमक थोड़ा सा लगा तो इसमें हम थोड़ा सा और नमक ऐड कर देते हैं। पूरा हमने 1 चम्मच नमक का यूज किया हुआ है और बहुत अच्छा ये चटनी बना हुआ है। आप रोटी के साथ, चावल के साथ, इडली के साथ इसे सर्व करें। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर कुकिंग को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो देखा आपने कितना झटपट ये चटनी बनकर रेडी है। अगर टाइम कम हो तो इस तरीके से आप चटनी बनाकर चावल रोटी के साथ खा सकते हैं।